तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किक की एडवांस मास्टरिंग किस प्रकार से की जाती है। एडवांस किक की मास्टरिंग क्या होती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जो लोग एडवांस मास्टर क्लास के सीरीज को पूरा देखना चाहते हैं तो वो दोस्तों आज ही हमारे एडवांस मास्टर क्लास के मेंबरशिप को तुरंत ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि को आप अपने एक नेक्स्ट लेवल पर किस प्रकार से ले जा सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की ये सीक्रेट ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए मैंने किक ले लिया, ठीक है। आप देखिए कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे यहाँ मैंने किक ले लिया और किक को मैंने यहाँ देखिए चार स्टेप पे लगा दिया। इस प्रकार से हमने चार स्टेप पे लगा दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने किक को लगा दिया। अगर हम इस प्रकार से किक को प्ले करेंगे तो देखिए इस प्रकार से साउंड आ रही है। अब किक को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसका साउंड लेवल एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि इसकी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। हम इसकी वॉल्यूम को पूरा फुल कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इसको फुल कर दिया। अब हम सुनते हैं, ठीक है। अभी हमारी किक का काम यहाँ हो गया इतना। अब हम यहाँ पे इसके आगे दोस्तों बढ़ेंगे, क्या करेंगे, अपने किक को मिक्सर चैनल में डालेंगे। यहाँ देखिए मैंने किक को अपने मिक्सर चैनल में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम पैरामीट्रिक EQ 2 का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैंने पैरामीट्रिक EQ 2 ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों इतना तो आपको पता ही होगा कि किक को इस प्रकार से चार बीट पे लगा देना है, इसके बाद प्लेलिस्ट में ऐड कर देना है, इसके बाद इसको पैरामीट्रिक EQ 2 का इस्तेमाल करके, जैसा कि मैंने अपने नॉर्मल वीडियो के सीरीज में बताया है दोस्तों कि इस प्रकार से आप 7 नंबर को बढ़ा दीजिए, 6 नंबर को बढ़ा दीजिए, तो इस प्रकार से आपकी किक की मास्टरिंग हो गई। तो दोस्तों सबसे पहले हम उसी पे आते हैं, उसके बाद हम एडवांस पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने किक को हम बढ़ाएंगे इसको और हार्ड करने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने किक को बढ़ाया, अब आप दोस्तों देखिए ध्यान देने वाली बात सबसे बड़ी ये होती है कि इसको, यानी कि ये जो 7 नंबर की जो बैंड को आपको इतना बढ़ाना है, यानी कि इसकी ट्रेबल को इतना बढ़ाना है कि इस किक के अंदर जो हमारा बेस है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसकी फील ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ के इसको बढ़ाना है। तो मैंने सपोज दैट इतना बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमने इसको बढ़ाया, अब आती है एडवांस के ऊपर। अब देखिए हमने इसको बढ़ा तो दिया, इतना हमारा काम हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने किक को और ज़्यादा लाउड करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा लाउड करने के लिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब आप में से बहुत कुछ लोग सोचते होंगे यहाँ कोई VST कोई इफेक्ट्स लगा देते। नहीं दोस्तों, हम कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो सेटिंग्स की आइकॉन है, यानी कि मिसलेनियस फंक्शंस, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे लेवल एडजस्टमेंट के ऊपर, ये देखिए वॉल्यूम है, ठीक है। आपको किक को सुनना है और किक को सुनते हुए अपने इसके वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो आइए हम इसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। राइट दोस्तों, तो यहाँ देखिए कि मैंने यहाँ पे 3.4 dB अपने इस लेवल एडजस्टमेंट से वॉल्यूम को बढ़ा दिया, यानी कि किक का। इससे ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं तो किक हमारा थोड़ा सा फट रहा है दोस्तों। तो फिर से देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे ये किक फटना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा कम कर देंगे। राइट दोस्तों, अभी हमारा देखिए काम हो गया। अब दोस्तों यहाँ हमको देखिए मेन, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि दोस्तों हमको, हमने अपने देखिए किक का लेवल तो बढ़ा दिया और ज़्यादा इसको लाउड कर दिया, पर दोस्तों अब हमारी किक यहाँ पे फट रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बेस को थोड़े से, यानी कि इसके अंदर जो सब आ रही है, सब बेस, इसको हमको रिमूव करना है। एकदम ख़त्म नहीं करना है, थोड़ा बहुत रखना है, बट हमको थोड़ा सा इसको कट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर का ये जो आपको बैंड दिख रहा है इसको हम पकड़ के नीचे ले आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा। और इसको हमको क्या करना है, एकदम साइड में ले आना है। अब हमको यहाँ से इसको नीचे करना है, यहाँ से नीचे नहीं करना है दोस्तों, इसको लेफ्ट में एकदम कॉर्नर पर ला के तब यहाँ से नीचे करना है, ठीक है। अब देखिए, तो आप यहाँ जो देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये जो हमारा जो पीक है, ये दोस्तों हमारा सब बेस है, तो हमको इसको थोड़ा सा कट करना है। ये हम थोड़ा सा इस तरीके से ले गए,
अब देखिए दोस्तों, ये हमारा इतने में परफेक्ट हो गया। अब हम इसका ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा हम इसके क्यू को छेड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बराबर करेंगे इस प्रकार से यहाँ क्लिक करके, ठीक है। अब हम फिर सुनते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हमें ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर से सब खत्म हो गया, तो हमको थोड़ा सा और इसके अंदर देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में खिसकाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, हमारा ये काम एकदम परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हमको 7 नंबर की इस बैंड को हमको और ऊपर बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हमने यहाँ से इसका वॉल्यूम लेवल एडजस्टमेंट किया, यानी कि इसका एडवांस वॉल्यूम मैंने इसको बढ़ाया, तो इसके अंदर देखिए ऑटोमेटिक सब बेस बढ़ा, और जब सब बेस बढ़ा तो हमने यहाँ से इसको सब बेस को कम किया, ठीक है। अब हमको और ज़्यादा ट्रेबल की ज़रूरत है, ताकि हमारा एक शार्प क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ हमारा ये किक चले, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे। सुन के ही करना ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको। अब आप देखिए कि ये हमारा काम हो गया यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। अब ये काम हमारा यहाँ से इसका ख़त्म हो गया। अब दोस्तों देखिए कि आपके किक के अंदर कितनी ज़्यादा पंचनेस आ गई, और कितना ज़्यादा हार्ड ये साउंड क्रिएट करने लगा। अब दोस्तों फिर से आते हैं एक और एडवांस के ऊपर, एडवांस टॉपिक के ऊपर। अब ये जो हमारा एडवांस ट्रिक है दोस्तों, यहाँ हम आते अपने इस मास्टर चैनल पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मान के चलिए कि अगर हमने पूरे ओवरऑल अगर आपने एक सॉन्ग बनाया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉन्ग बनाने मतलब जो भी आप सॉन्ग बना रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से, जैसे ये इसका 100% वॉल्यूम लेवल है मास्टर का जो फेडर है, तो हम इसको क्या करेंगे 110 कर देंगे या 112 कर देंगे। चलिए मैंने इसको 112 कर दिया। अब आपको पूरा अपने गाने को इसके ऊपर ही बनाना है, जो भी आप सॉन्ग मिक्स करेंगे इतने फेडर के ऊपर करेंगे, इसको आपको नहीं छेड़ना, 112 आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद अपनी सारी लेबल एडजस्टमेंट आपको करनी है, ठीक है। तो अब हम फिर से सुनते हैं अपने किक को। देखिए और ज्यादा हार्ड हो गया हमारा किक, और कहीं से दोस्तों ये फट नहीं रहा है। तो ये दोस्तों एडवांस सीक्रेट ट्रिक्स है जो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर हम इसको कम करते हैं, हमने कम कर दिया, अब अगर हम इसको बढ़ाते हैं, राइट, 112% पे दोस्तों ये हमारा एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। यानी कि सबसे पहले देखिए आपको सॉन्ग डालना है इसके अंदर, सॉन्ग के अपना बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है, इसके बाद आपको किक लेना है, और किक के ऊपर ये सारे टेक्निक्स करने हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और उस टेक्निक को करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको 112% इसके मास्टर फेडर के साथ जाना है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों गेन स्टैगिंग, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, गेन स्टैगिंग। तो हम दोस्तों यहाँ से हैक करते हैं एफएल स्टूडियो के इस फेडर को, और अपने सॉन्ग के अंदर 4 चांद लगाने के लिए इसको 112% पे ले जाते हैं। अब इसके बाद ही हम दोस्तों पूरे गाने की अरेंजमेंट करेंगे, इसको हमको नहीं छेड़ना है, 112% इसको हमको रखना ही रखना है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपके किक के हिसाब से, सपोज मान लीजिए आप कोई और किक यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको अगर फिर से सुनते हैं, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पंचीनेस हो गया, कितना ज़्यादा हार्ड हमारा किक दोस्तों बन गया। तो दोस्तों ये था सीक्रेट किक की एडवांस मास्टरिंग की। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, जो कि हमारे मेंबर्स हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इस एडवांस किक की मास्टरिंग को दोस्तों आई होप कि आपने अच्छे तरीके से सीखा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो दोस्तों उसके लिए आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं आपसे अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।